हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन मुंबई यूनिवर्सिटी, इसका नाम है ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कांदिवली मुंबई, इस कॉलेज के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, रिव्यू करेंगे, सारी चीज़ें इस कॉलेज के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक पिक्चर मैंने यहाँ पर कैंपस का इंक्लूड किया है, सामने से फ्रंट व्यू आपको दिख रहा होगा कॉलेज का। ठीक है, तो सारी चीज़ें देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि कॉलेज का नाम तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इस्टेब्लिशमेंट 2001 का है, 3176 DTA का कोड है और ऑफिस का कांटेक्ट भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। DTA रीजन मुंबई और डिस्ट्रिक्ट है मुंबई सबअर्बन। ओके, तो एड्रेस देख सकते हो, ठाकुर श्याम नारायण मार्ग, ठाकुर विलेज, कांदिवली ईस्ट, मुंबई पिन कोड है। और वेबसाइट का एड्रेस तो आपको हमेशा विजिट करने के लिए मैं कहता हूँ और करना चाहिए, बराबर। और ये अनएडेड कॉलेज है, ऑटोनॉमस कॉलेज है और ये माइनॉरिटी, यहाँ पर रिजर्व सीट्स होते हैं किसके लिए, हिंदी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यहाँ पर फॉर हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कैसे पहुँचना है कॉलेज को, कांदिवली स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर है, समता नगर बस स्टैंड से सिर्फ 1 किलोमीटर, सांताक्रूज एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर। बीटेक एंड बी ये पहला कॉलेज है, जितने भी मैंने रिव्यू किए हैं, ये पहला कॉलेज ऐसा है जिसमें आपको बीटेक और बीईडी दोनों डिग्री की फैसिलिटी अवेलेबल। कैसे है, कौन से कोर्सेज में बीटेक मिलेगा, कौन से कोर्सेज में बीई मिलेगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो मुंबई यूनिवर्सिटी को एफिलिएटेड है, बॉयज़ हॉस्टल यहाँ पर है लेकिन इनटेक कम है और अनफॉर्चुनेटली गर्ल्स हॉस्टल तो है ही नहीं, ऐसा इन्होंने बोला है। तो टोटल इनटेक है बॉयज़ हॉस्टल का 54 और वो फर्स्ट ईयर के लिए है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला बीई बीटेक दोनों अवेलेबल है, तो बी के लिए ये देख सकते हो लेफ्ट साइड वाले इतने सारे कोर्सेस है और बीटेक डिग्री के लिए ये वाले कोर्सेस है। ठीक है, तो कौन से कोर्सेस है यहाँ पर, बहुत सारी कोर्सेज की लिस्ट है यहाँ पर। तो सिविल है, कंप्यूटर है, आईटी है, मैकेनिकल एंड मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर, ये पहली बार दिखा ये कोर्स मुझे, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद ENTC मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ये भी काफ़ी कम कॉलेजेस में अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन। ओके, ये हो गई बी डिग्री मिलेगी आपको यहाँ से। और बीटेक वाले भी कोर्सेज हैं यहाँ पर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये कोर्स का नाम है, IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, बराबर। तो आई होप आपको समझ में आ गया कितने कोर्सेज है और इनटेक भी आप साइड में देख सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम प्लेसमेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कॉलेज के। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी वेबसाइट पे बोला है, कंपनीज वो बिलीव इन अस, मतलब आवर रिक्रूटर्स, कौन से कंपनी है, एक्सेंचर, AGS, MDocs, A2S, bevacoop.com, ओके, Capgemini, कारवाले, डेटामेट्रिक्स, media.net, NSE इन्फोटेक, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम है यहाँ पर। ओरेकल है, IT परसिस्टेंट कंपनी है। तो आगे बढ़ते हैं, प्लेसमेंट का रिकॉर्ड देखते हैं। तो यहाँ पर 2020-3 का देखते हैं हम, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस 800 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं इसी साल की बात करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड, बराबर। और प्लेसमेंट इन प्रोग्रेस बोल रहा है अभी भी। और इसके बाद हम देखते हैं सैलरी कितनी है, तो क्वालिटी प्लेसमेंट मैक्सिमम सैलरी कितनी है यहाँ पर, 40 लाख के ऊपर सैलरी मिली है। अच्छा, मिनिमम सैलरी इतनी, एवरेज देखते हैं हम, एवरेज सैलरी है यहाँ पर 8 से 9 लाख के आसपास है, 8 लाख के आसपास आप पकड़ सकते हो एवरेज सैलरी है यहाँ पे प्लेसमेंट की। तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है और पैकेज भी अच्छे हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसा यहाँ से पास आउट है या फिर यहाँ पे पढ़ रहा है थर्ड ईयर फाइनल ईयर में, तो कॉलेज के बारे में कुछ बताना चाहता हो खास बात, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो बाकी लोगों को जो न्यूली एडमिशन ले रहे हैं बच्चों, उनको हेल्प हो जाएगा। ओके, तो फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो आप, अंडर ग्रेजुएट फी डिटेल, मतलब बीई के लिए, तो यहाँ पर देखते हैं, तो ट्यूशन फी एंड डेवलपमेंट ही 1,48,000, यूनिवर्सिटी फी 4,000, लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी 5,000, तो टोटल ये प्लस करेंगे दिस प्लस दिस, तो कितना हो जाता है, 1,58,000 आपका फीस स्ट्रक्चर हो जाएगा ओपन के लिए। फिर जो भी आप कैटेगरी वाइज होता है वो आपको रिजर्वेशन के हिसाब से कंसेशन तो मिलेगा ही, जैसे कि OBC के लिए यहाँ पर 50%, मतलब 75,000 इसमें कम हो जाएगा, है ना। उसके बाद डायरेक्ट सेकंड ईयर का भी यार सिमिलर फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि है कट ऑफ, बराबर, इसी साल का 2023 का, अभी जो कैप राउंड 1 हुआ है उसका कट ऑफ है। ठीक है, तो लेटेस्ट आपको समझ में आएगा क्या है।
तो स्टेट लेवल का कट ऑफ लगता है, ऑटोनोमस कॉलेज है बराबर, और माइनॉरिटी है तो यहाँ पर क्या होता है, कैटेगरीज नहीं होती है, यहाँ पर क्या होता है ओपन होता है, लेडीज ओपन होता है, माइनॉरिटी होता है और TFWS बराबर। तो उसका देखते हैं ओपन का 81% है, तो माइनॉरिटी छोड़ के सारे ओपन में आ जाएंगे बराबर, हर कोई यहाँ पर एडमिशन ले सकता है, डोंट वरी, हर कोई अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपको कैटेगरी में ओपन कैटेगरी और माइनॉरिटी दो ही, क्योंकि ये माइनॉरिटी कॉलेज है तो माइनॉरिटी के लिए यहाँ पे प्रेफरेंस होता है। माइनॉरिटी का कट ऑफ देख सकते हो कम लगता है, क्योंकि आसानी से एडमिशन मिल सकता है माइनॉरिटी पीपल को जिनका हिंदी लैंग्वेज है बराबर, हिंदी लैंग्वेज से पास आउट ट्वेल्थ वगैरह हुआ हो बराबर, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होता है। आगे देखते हैं कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर का 96% कट ऑफ है इस बार लगा है, लेडीज़ के लिए रिजर्वेशन रहता है उनके लिए 95%, माइनॉरिटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा है 93% और TFWS के लिए 90, तो आप इससे एक JEE मेन से भी देख सकते हो 94, तो इससे एक आप बात पता लगा सकते हो कॉलेज काफ़ी डिमांड में है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। माइनॉरिटी का कटअप भी देख सकते हो आप 93% तक गया है, इसका मतलब समझ सकते हो कॉलेज काफ़ी अच्छा है। फिर भी कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने मिस किया हो जो आपको पता हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, क्योंकि हर एक कॉलेज को मैं विजिट तो नहीं कर सकता पर्सनली, सारी चीज़ें मैं वहाँ पर नहीं पढ़ा हूँ तो मैं नहीं जान सकता अंदर की बातें, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो कट ऑफ ऑथराइज्ड इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बराबर। कुछ भी पॉइंट पॉजिटिव या फिर कुछ ऐसा पॉइंट जो अच्छा नहीं है वो भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है ओके। तो आगे बढ़ते हैं, IT का कट ऑफ देखिए वो भी काफ़ी हाई है 95, लेडीज़ के लिए 94, माइनॉरिटी 89, TFWS 96, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आप IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी कट ऑफ बहुत हाई है यहाँ पर देख सकते हो आप। उसके बाद मैकेनिकल मैकेट्रॉनिक्स, वीडियो पॉज करके देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक, और ये सारे कट ऑफ स्टेट लेवल पे होते हैं राइट, होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ENTC का भी देख सकते हो वीडियो, काफ़ी हाई कट ऑफ ENTC का देखो 88, 90, 86, माइनॉरिटी के लिए कम होता है ओके। मैकेनिकल का भी देख, मैकेनिकल का भी काफ़ी अच्छा 87% है ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का भी काफ़ी हाई कट ऑफ है, तो सारे कोर्सेज का यहाँ पर मुझे कट ऑफ बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मतलब कॉलेज तो बहुत ही अच्छा होगा तभी तो इतने सारे बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तभी तो कट ऑफ बढ़ता है राइट, बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब, तो प्लेसमेंट अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं तो क्या चाहिए। और तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देख सकते हो आप 94% कट ऑफ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस का। तो कंप्यूटर IT, इंटरनेट ऑफ सर्विस, उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ENTC, ये सारे जो है साइबर सिक्योरिटी जो भी है कंप्यूटर साइंस में, वो सारे कोर्सेज जो है डिमांड में हैं और यही चीज़ें करना चाहते हैं सारे स्टूडेंट्स, कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज चाहते हैं, तो इनका कट ऑफ बढ़ने वाला है। और कैपराउंड 2 में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे क्या होगा, तो आई थिंक कट ऑफ कम नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है, आपका ओपिनियन क्या है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, ठीक है। तो वीडियो को हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल के साथ जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना, आपके एडमिशन से लेके आपके करियर तक ये चैनल आपको हेल्प करेगा। तो रुकते हैं यहाँ पर, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।